इसके अलावा मैं आपको बता दूं, केवल सिपाही की भर्ती नहीं है, दरोगा की भर्ती के संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 1288 दरोगा के पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत कराएंगे। अभी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया उसमें की जा रही है, संभावना है कि मई के महीने में इसके संबंध में भी हम लोग आपको अवगत करेंगे। इसी के अलावा स्टेनो एएसआई के पद हैं करीब 194, इन पदों के बारे में भी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। ये भी उम्मीद है कि मई के महीने में हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। आप लोगों को पता है कि दरोगा के लिए एक दूसरा भर्ती आयोग है, पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, और सिपाही की भर्ती के लिए सिपाही भर्ती परिषद, तो वो दोनों आयोगों में हम लोग अपनी अपनी रिक्रूशन भेजते हैं और इस साल के होते होते वर्ष के समाप्ति के पहले हम लोग बड़ी भारी संख्या में भेजते हैं।